नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा बतख पालन हम कैसे कर सकते हैं और इनको खरीदना है तो हम कहां से खरीद सकते हैं और इनका वजन हम तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अंडा पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे जो हम बतख पालन किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दें, ज़्यादा ग्रोथ हो। और बच्चे कहाँ से खरीदे जाते हैं उनका भी दोस्तों आप लोगों को हम मोबाइल नंबर देंगे, आप इनसे संपर्क करके अपने जो है बच्चे मंगवा सकते हैं, क्या रेट चल रहा है और कितने दिन के बच्चे हैं और कितने जो है बतख इनके पास हैं, सब कुछ दोस्तों आपको हम इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डब्ल्यू सोनकर। पूरा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है डब्ल्यू सोनकर, दंतल गौरव प्रतापगढ़। गौरव प्रतापगढ़, आपके पास यहाँ पर कितने बतख हैं? हमारे पास अब है जी 1200 हैं। ये टोटल दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 1200 बतख हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी जो है शानदार तरीके से रखा गया है। तो ये बतख जो है आप कितना दिन का बतख था तब आप खरीदे थे? दो रोज के। तो एक बतख की क्या कीमत थी? एक बतख 25 रुपये। 25 रुपया। तो अगर जैसे कोई खरीदना चाहता है तो आप उनको दे सकते हैं? बिल्कुल। तो बतख पालन के लिए मान लो जैसे 2 रोज का बच्चा आप खरीद कर लाए हैं तो यहाँ पर किस तरह से उसका देख रेख करते हैं? उसका देख रेख करते हैं, चारा ले जाते हैं खिलाने के लिए, मुर्गी वाला चारा आता है, जो मुर्गी का चारा छोटे बच्चे खाते हैं तो वही चारा कितना दिन तक खिलाना पड़ता है? वो 15 रोज। अच्छा 15, जैसे वहाँ से हम खरीद कर लाए हैं तो तुरंत हम पानी में नहीं छोड़ सकते? नहीं, मतलब 15 दिन तक नहीं, तो 4 रोज के बाद छोड़ सकते हैं। 4 दिन के बाद, 4 दिन 5 दिन के बाद फिर उसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो जैसे हम तुरंत छोड़ देते हैं पानी में तब क्या कोई दिक्कत हो सकती है? दिक्कत यही होगी, भीग जाएंगे, जला जाएंगे, डूब भी सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन तक जो है राह देखना पड़ेगा। उनको वही जो चारा आता है मुर्गी वाला, वो मुर्गी का चारा हमें देना पड़ेगा। तो वो मुर्गी का चारा 15 दिन तक देना पड़ेगा? 15 दिन तक पूरा देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या खिलाओगे? उसके बाद गेहूँ, ये धान, ये सब खाने लगेंगे। तो अभी जो है इनका ये कितने दिन खाए बच्चे आपके? अभी 1.5 महीने। 1.5 महीने खो गए हैं। तो इनको रखने के लिए व्यवस्था कैसा बनाया जाता है? इसको रखने के लिए मच्छरदानी आती है घेरने के लिए, रखते हैं मच्छरदानी में। तो मान लो जैसे हम अगर बतख पालन करना चाहते हैं तो अगर कोई खरीदना चाहेगा तो उनको किस प्राइस पर मिलता है, किस रेट पर मिलेगा? उसको मार्केट हिसाब से मिलेगा, जैसे तो रेट इसका घटता बढ़ता रहता है, इसमें कोई मतलब फिक्स रेट नहीं रहता कि यही फिक्स है। तो इसको जो आप बतख खरीद के यहाँ पर लाए हैं तो इस बतख को आप जो है अंडे के लिए लाए हैं कि सिर्फ बेचने के लिए लाए हैं? इसको अंडे के लिए लिए हैं, बेचने के लिए। तो जैसे मान लीजिए इसको आपको बेचना होता है तो आप अंडा के लिए और बेचने दोनों के लिए लाए हैं, मतलब बेचते भी हैं अंडा भी करवाते हैं। तो इसमें नर मादा कैसे पता चलता होगा आपको? नर मादा बराबर हो जाते हैं तो पूंछ टूंछ की टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, तो इससे पता होगा कि नर है वो मादा है। तो ये कितना दिन में जो है अंडे के लिए तैयार होती है? पूरा 3.5 महीने। 3.5 महीना होने के बाद ये जो है अंडे देने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो अंडे हमें अगर ज्यादा इनसे लेना है कि हम चाहते हैं कि हमारी बतख जो है जल्दी तैयार हो जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो तो हमें इन्हें क्या खिलाना होगा अंडे ज्यादा पाने के लिए? इनके खिलाना कुछ नहीं पड़ेगा, इनको चराने पड़ेगा। चराना पड़ेगा। इनके लिए जरूरी क्या है? बहुत जरूरी, यानी जरूरी पानी है, चारा है, पानी। पानी इनके लिए बहुत जरूरी है, पानी है, सब कुछ है। अच्छा, तो जैसे हमें बतख पालन करना है तो पानी बहुत जरूरी है, बहुत इसका जरूरी है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास तालाब होना जरूरी है कि गड्ढा जैसे आपके यहाँ पर है तो इसी तरह गड्ढा होना चाहिए कि तालाब होना चाहिए? तालाब भी होना चाहिए, गड्ढा भी होना चाहिए, इसलिए आपके पास व्यवस्था रहे, सभी ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। तो आपके पास यही पानी सूख जाता होगा तो गर्मी में तो क्या करते होंगे? इंजन में भराते हैं। इंजन से यहाँ पर भराना पड़ता है। तो इसको जो है आप 3.5 महीने बाद ये अंडा देना शुरू कर देंगी? यस।
तो इसको आप अंडा कहाँ पर बेचते होंगे? इसको अंडा जाता है बनारस। ये बच्चा जहाँ से खरीद कर लाते हैं वहीं पर लेते वहीं हैं? पर जाते हैं। जैसे कि आप जहाँ से बच्चे खरीद कर लाए हैं अंडे भी वही खरीदते हैं? वही भी खरीदते हैं। तो दोस्तों आप सुने होंगे कि जहाँ पर इस बच्चे को खरीदा जाता है अंडा भी वहीं पर बेच दिया जाता है। मान लो कोई आपसे यहाँ से बच्चा ले जाता है तो अंडा किस तरह से बेचेगा वो? हमारी तरफ ले जाएगा, हम बेच देंगे। तो एक अंडा का क्या प्राइस होता है कम से कम? एक अंडा कम से कम 8 रुपया 10 रुपये, जैसे मार्केट के हिसाब से रहता है, उतरता भी चढ़ता भी रहे, मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है 8 रुपया से 10 रुपया तक। तो वो लोग यहाँ पर खुद आते हैं कि आप आते हैं यहाँ से ले जाने के लिए? तो अंडा पर डे निकल जाता है कि कभी कभी? पर डे भी निकल जाता है कभी कभी। तो जब ये अंडा देना शुरू कर देंगी तो लगातार कितना महीने तक अंडा देती हैं? लगातार 2 महीने 6 महीने, जैसे आप चारा पाते रहे उसे खाते। यानी कि चारा, यानी पानी की व्यवस्था है, चारा की व्यवस्था है, तो लंबे समय तक अंडा देती रहेंगी? देती रहेंगी। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो अंडा देना बीच में बंद कर देंगी? बंद हो जाएगी। मान लो जैसे इनका ग्रोथ हमें जल्दी से लेना है, ज्यादा ग्रोथ इनकी हो और बाढ़े बहुत तेजी से, तो इसके लिए हमें क्या इनको देना पड़ता है? इनको धान देना पड़ता है, चारा खिलाना पड़ता है। चारा कौन सा देते हैं? ये बाजरी वाला। बाजरी? बाजरी से इनका ग्रोथ बढ़ता है? चावल। चावल भी किनकी भी दिया जाता होगा? किनकी भी दिया जाता है। तो देने से लिए मोटी होती है ज्यादा। ठंडी ठंडी के सीजन में कि गर्मी के सीजन में? दोनों सीजन में, ठंडी गर्मी में दोनों दिया जाता है? दोनों दिया जाता है। तो इसमें ठंडी और गर्मी दोनों के लिए दिया जाता है, तो इससे इनका ग्रोथ बढ़ेगा। तो और इनसे अगर ज्यादा अंडा हमें पाना है तो लगभग यही धान और बाजरी? यस। बाजरी भी दिया जाता है अंडा ज्यादा पाने के लिए, और धान भी दिया जाता है? धान भी दिया जाता है। तो इनमें मात्रा की किस हिसाब से देना पड़ता है धान देने के लिए? अब उनकी इच्छा है जितना खा लें। तो मतलब देना क्या है, धान को डायरेक्ट ऐसे धर रख देना है कि उसको धान से कूरे दें? खा लेंगे। खा लेंगे, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे बच्चा खरीदना चाहता है तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 91-24-0493। 91-29-24-0493। नाम क्या है आपका? नाम है डब्लू सोनकर। डब्लू सोनकर, यस। तो अगर जिसको बच्चे खरीदना है तो आपसे संपर्क कर लेगा, आप उन्हें बच्चा जो है अवेलेबल करा देंगे? करा देंगे। तो बच्चा खरीदने के सीजन कौन सा होता है, महीना कौन सा होता है? मार्च। मार्च महीना? मार्च। तो मार्च महीने में जो है बच्चे जो है अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे? हो जाते हैं। तो आप जो है बच्चे जैसे लाएंगे तो यहीं से देंगे कि उनको वहाँ जाना पड़ेगा? यहीं से मिल जाएगा। यहीं से मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। तो जो बच्चा आप देंगे कितना दिन का बच्चा रहेगा? 2 रोज का। जितने भी बच्चे आएंगे 2 ही रोज का रहेगा, और इससे जो है कम ज्यादा नहीं रहता? और उसका प्राइस कीमत किस तरह से होगा, कि कितने रुपए में मिलेगा कितने रुपए में नहीं मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा, ऐसे मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से है। हमसे बात करो, उसका बताया, हमसे पूछा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। जब जब होते चक्की लगे।